फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम हरी मिर्च का थेचा बनाने जा रहे हैं, तो देखते हैं थेचा बनाने की विधि क्या है, इसे कैसे बनाना है। हरी मिर्च का थेचा बनाने के लिए यहाँ मैंने 15-20 मिर्च ली है, आधा नींबू और यहाँ पे लहसुन की कुली रखी हुई है। अब हम एक तवा लेंगे, तवा ले लिए। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, गरम हो गया, थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे, अच्छी तरह से ब्राउन हो गया, गैस का फ्लेम लो रखें और इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। इसको इसे हल्का हल्का हमें सेकना है, ये इस तरह से सीख रहा है। अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे, इसे भी हमें फ्राई करना है, सैलो फ्राई करना है, हम इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं इसे, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं कढ़ाई में। इसे अच्छी तरह से सेक लीजिए, इसे इस तरह से हमें सेकना है, ब्राउन करना हल्का हल्का, लहसुन को भी गैस का फ्लेम आप जैसा रख सकते हैं, लो हाई मीडियम। ऐसा लहसुन भी हो गया ब्राउन, अब हम इसमें आधा चम्मच नमक देंगे, नमक आप अपने स्वाद अनुसार दे सकते हैं, और आधा जो नींबू था वो हम इसमें निचोड़ देंगे। गैस को बंद कर दीजिए आप। इसका पानी सूखने दीजिए, इसे ठंडा होने के बाद हमें इसे मिक्सी में पीसना है। ये ठंडा हो गया, अब हम इसे मिक्सी में डाल देंगे। मिक्सी में डाल लिए, इसे बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है हमें, इसे थोड़ा मोटा ही पीसना है। देखिए ये बिल्कुल महीन नहीं है, इसमें थोड़ा सा मिर्ची मोटा और लहसुन भी मोटा रहेगा, बारीक हमें चटनी की तरह नहीं पीसना है इसे। अब हम इसे किसी कांच के बर्तन में या फिर प्लास्टिक के बर्तन में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स हमारा थेचा बिल्कुल रेडी है, आप इसे रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, कोई भी स्पाइसी चीज अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आप इसे ऐड कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, आप इसे पीस भी सकते हैं, कूट भी सकते हैं, और अगर आपके पास सील है तो उससे भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे गर्म में मत करना, ठंडे में ही करना, गर्म से पसीना इसमें पानी आ सकता है तो आपका थेचा खराब हो सकता है, इसीलिए इसे ज्यादा दिन चलाने के लिए हमें ठंडा करने के बाद में ही पीसने की जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल बटन को जरूर दबाना ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो आप मेरे को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।